आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू चूज राइट एमसीबी ब्रेकर, मतलब कि कौन सी एमसीबी कहां पर लगाते हैं, उसे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों आज का यह वीडियो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उस समय सबसे पहले जिस ब्रेकर का नाम आता है वो आता है हमारी एमसीबी। अब यह जो एमसीबी हमारे सामने आती है, यह एमसीबी भी कई टाइप्स की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस एमसीबी पे यहाँ पे लिखा हुआ है B6, इस एमसीबी पे लिखा हुआ है C32, इस पे लिखा हुआ है D100। मतलब कि हमारे पास में जो एमसीबी आती है उसके जो टाइप्स होते हैं वह मुख्य तौर पे 5 टाइप की होती है, जैसे B, C, D, K और Z। अब इतना पता चलते ही हमारे सामने अगला सवाल यही आता है कि आखिरकार ये B, C, D इसका मतलब क्या है और हमें कहां पर कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं सब पॉइंट के ऊपर आज के इस वीडियो के हम बात करेंगे, तो बिना ज्यादा देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण से आपको इसके बारे में बताऊं, तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण ये हो सकता है कि आपको कई बार बोला जाता है कि कभी भी हमारे घरों के अंदर डी टाइप की एमसीबी को नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि ऐसी एमसीबी जिसके ऊपर लिखा हुआ है D32 या फिर D10, इस टाइप की एमसीबी को आपको कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों इसके पीछे की वजह यह है कि यह जो डी टाइप की एमसीबी होती है इसे बनाया गया है हमारे हाई फ्लक्चुएटिंग करंट वाले उपकरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हमारी जो वेल्डिंग मशीन होती है, हमारी एक्सरे मशीन होती है, उन सभी के लिए ये डी टाइप की एमसीबी को बनाया गया है। लेकिन अगर इसी एमसीबी को आप आपके घर पे लगा दोगे तो आपके घर के जो उपकरण है उस उपकरण को हमारी एमसीबी प्रोटेक्शन ही नहीं देगी, यह हमारी ओवरलोड से खराब हो जाएगी लेकिन हमारी एमसीबी ट्रिप ही नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आपके घर पे आपको डी टाइप की एमसीबी नहीं लगानी है। तो दोस्तों इस उदाहरण और इस नॉलेज से आपको यह तो पता चल गया कि आखिरकार ये डी टाइप, सी टाइप, बी टाइप ये सब क्या है। यह सभी हमारे एमसीबी के टाइप्स को बताते हैं कि आखिरकार हमारी कौन सी एमसीबी हमें कहां लगानी चाहिए। अगर दोस्तों हम सबसे पहले बी टाइप की एमसीबी की बात करें तो इस एमसीबी को मुख्य तौर पे हमारे हाउस लोड के हिसाब से बनाया गया है, मतलब कि कभी भी आपको घर पे एमसीबी लगानी है तो आपको सबसे पहले बी टाइप की ही एमसीबी को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर अभी हम यहाँ पे ये जो बी लिखा हुआ है इसकी बात करें, यह हमें क्या बताता है? तो यह हमें इस बात को बताता है कि हमारी जो भी एमसीबी है इस एमसीबी में से जब भी इसकी रेटिंग से 3 से 5 गुना ज्यादा करंट निकलेगा तो यह एमसीबी मात्र 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। तो इसे आप एक उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में जो एमसीबी है इस पे लिखा हुआ है B10, मतलब कि यह जो हमारी एमसीबी है ये हमारी 10 एम्पियर की है, और किस टाइप की एमसीबी है? हमारे बी टाइप की है। तो अब यह जो बी टाइप लिखा है यह हमें इस बात को बताएगा कि आपने जो इस एमसीबी पे लोड जोड़ रखा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लोड जोड़ रखा है और यह लोड किसी भी कारणवश हमारे 10 एम्पियर ज्यादा करंट ले गया। 10 एम्पियर से कितना ज्यादा? तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये हमारे इस एमसीबी के 3 से 5 गुना ज्यादा करंट ले गया, जैसे कि 10 की जगह हमारा 30 से 50 एम्पियर करंट ले गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो ये एमसीबी होगी इस एमसीबी को ट्रिप होने में 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच का समय लगेगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम सी टाइप की एमसीबी की बात करें तो इसे मुख्य हमारे इंडक्टिव लोड के लिए बनाया गया है। इंडक्टिव लोड कौन से होते हैं? तो जैसे कि हमारे मोटर जो होती है, उन सभी मोटर के अंदर जब भी हमको किसी एमसीबी की जरूरत पड़ेगी तो हमें सी टाइप की एमसीबी ही लगानी चाहिए। आपको एक बात का और यह भी ध्यान रखना है, कभी अगर आपको घर के लिए बी टाइप की एमसीबी नहीं मिलती है तो उस समय आप आपके घर पे सी टाइप की एमसीबी को भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस सी वर्ड के बारे में समझे कि आखिर ये सी हमें क्या बताता है, तो ये हमें इस बात को बताता है कि अगर इस एमसीबी से इसकी रेटिंग से 5 से 10 गुना हायर करंट निकलेगा, उदाहरण के लिए अगर हमारी एमसीबी सी 10 एम्पियर की है, सी टाइप की 10 एम्पियर की, तो इस एमसीबी में से जब भी 50 से लेकर 100 एम्पियर करंट निकलेगा तो उस समय यह जो एमसीबी होगी यह एमसीबी हमारी 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हम डी टाइप की एमसीबी की बात करते हैं, तो इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो डी टाइप की एमसीबी होती है इसका उपयोग हम वेल्डिंग मशीन के अंदर मुख्य तौर पे करते हैं। इसकी जो करंट ट्रिपिंग कैपेसिटी होती है वह हमारी 10 से 20 गुना होती है, मतलब कि अगर हमारी इस एमसीबी पे 10 एम्पियर D10 एम्पियर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि हमारी इस एमसीबी में से जब भी 10 से 20 गुना मतलब कि 100 से 200 एम्पियर करंट निकलेगा तो उस केस में हमारी एमसीबी ट्रिप होने में 0.04 से लेकर 3 सेकंड के बीच का समय लेगी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट के टाइप और जेड टाइप की एमसीबी की बात करते हैं। इसके पहले हम एक और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। कई लोगों के मन में एक यह भी सवाल आ रहा होगा कि अगर एमसीबी हमारे इसकी रेटिंग का 3 से 5 गुना या फिर 10 से 20 गुना ज्यादा करंट पे ट्रिप हो रही है तो फिर हमारे इस एमसीबी के ऊपर जो लिखा हुआ है ये B6, यहाँ पे लिखा हुआ है C32, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो 32 एम्पियर और यहाँ पे जो 6 एम्पियर इस एमसीबी पे शो हो रहा है, हमारी ये एमसीबी इस पे ट्रिप होती है, लेकिन इस पे ट्रिप होने पे हमारी ये एमसीबी काफी ज्यादा समय लगती है। अगर हम एवरेज समय की बात करें तो आप देखेंगे कभी
आप इस एमसीबी में 6 एम्पीयर ज्यादा करंट को गुजार देंगे, जैसे 10 एम्पीयर करंट को निकाल रहे हैं आप इस एमसीबी से, तो हमारी एमसीबी 2 से 3 मिनट या फिर इससे भी ज्यादा समय पर ट्रिप होगी, क्योंकि हमारी जो एमसीबी है ये एमसीबी पूरी हीटिंग के ऊपर, थर्मल के ऊपर काम करती है। इसके अंदर हमारा एक बायोमेटलिक कॉन्टेक्ट होता है, वो धीरे धीरे हमारा बैंड होता है जैसे जैसे गर्म होता है, तो इस कारण से हमारी एमसीबी को ट्रिप होने में काफी समय लगता है। तो इसीलिए हमारी इन सभी एमसीबी के अंदर एक रेटिंग दी जाती है, जिससे ज्यादा अगर एम्पीयर निकलता है तो उस समय हमारी एमसीबी जल्दी ट्रिप हो जाए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में 2 एमसीबी और बस्ती है, एक के टाइप और जेड टाइप। अगर हम इन दोनों एमसीबी की बात करें तो इन दोनों एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है, क्योंकि अगर इन एमसीबी से थोड़ा सा भी ज्यादा करंट निकलता है, एक्स्ट्रा करंट निकलता है, तो एमसीबी फटाफट ट्रिप हो जाती है, तो इसलिए इन्हें सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। अगर हम सबसे पहले के टाइप एमसीबी की बात करें तो इस एमसीबी के अंदर जब भी इसकी रेटिंग से 8 से 12 गुना ज्यादा करंट निकलता है, तो उस समय हमारी एमसीबी सिर्फ 1 मिलीसेकंड के अंदर ट्रिप हो जाती है, तो इसलिए इस एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। लेकिन अगर दोस्तों हम जेड टाइप एमसीबी की बात करें तो यह हमारी हाई सेंसिटिव एमसीबी है। तो यह जो एमसीबी होती है, इस एमसीबी के अंदर अगर इसकी रेटिंग का सिर्फ 2 से 3 गुना ही ज्यादा करंट निकलेगा, तो उस केस में हमारी एमसीबी सिर्फ 1 मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों एमसीबी का उपयोग कभी भी घरों पे या फिर मोटर के लिए नहीं किया जा सकता है, यह एमसीबी हमारी बार बार ट्रिप होती रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें फिर इस एमसीबी को लगाते खाएं, तो आप देखेंगे हमारे जो सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं, हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, हमारे चार्जर कंट्रोल होते हैं, उन सभी के अंदर हमारे के टाइप और जेड टाइप की एमसीबी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप लग रहे हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप इन्हें पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।